दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल माइग्रीन हॉबीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ओरिजिनल जेन्युइन एक्सपेरिमेंट की हुई वीडियो लेकर के आता हूँ। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल माइग्रीन हॉबीज पर, और आज हम लोग बात करेंगे अरबी के प्लांट्स यानी टैरो रूट्स के बारे में। दोस्तों टैरो रूट्स जो हमारी सब्जी के तौर पर भी यूज़ की जाती है। सो गाइस इस तरह से ये रूट्स हमें मार्केट से मिल जाते हैं जो इसके सीड्स होते हैं, और आप चाहें तो दोस्तों आप घर की अरबी जो घर में सब्जी के लिए यूज़ होती है उससे भी दोबारा अरबी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसे मिट्टी में बो देना है। इसका जो भी पोर्शन जो जड़ वाला जहाँ से थोड़ी सी भी आँखें या जड़ निकली हुई होती है अरबी की, उसे हमने टॉप की तरफ रखना है और इसे मिट्टी में बो देना है। दोस्तों इसके लिए मिट्टी आपकी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी में बहुत ईजिली ग्रो करती है, और क्योंकि ये रूट्स वाली सब्जी है ये बहुत ज़्यादा फैलती है, तो इसीलिए आपको इसको रेत वाली मिट्टी यानी कि काफ़ी रेतीली मिट्टी के अंदर इसे लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए दोस्तों ये जैसे ग्रो बैग मैंने लिया है, ग्रो बैग में ये इजीली काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड भी हो जाएगी। इसके लिए आप 10 या 12 इंच के गमले में एक या दो टैरो रूट्स के यानी कि एक या दो अरबी लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा अरबी आपको नहीं लगानी है। ज़्यादा लगा देने से दोस्तों उसके रूट्स आपस में बाउंड हो जाएंगे और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो रिज़ल्ट भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। ये वीडियो के एंड में आपको मैं इसका एक रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊँगा। आफ्टर 46 डेज दोस्तों 46 दिन के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है अरबी की। मैंने इसे दो या तीन ग्रो बैग में मैंने इसे लगाया था, दो ग्रो बैग्स और एक काफ़ी बड़े से टप में लगाया था, जो टप को मैंने आधा काटा हुआ है उसके अंदर भी मैंने लगा दिया था। दोस्तों टैरो रूट्स आपका गर्मी की सब्जी है, यानी कि इसे अप्रैल या मार्च के महीने के दौरान इसे लगाया जाता है, और लगभग सारी गर्मी ये आपको सब्जी देता है। बट फील्ड्स या खेतों में किसान तो इसे निकालते ही नहीं, क्योंकि इसके जो रूट्स अंदर ही जो फील्ड्स में रह जाती हैं वही नेक्स्ट सीजन में दोबारा ग्रो हो जाती हैं प्लांट्स बनकर। तो बट हम अपने घर में गमलों में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अप्रैल मंथ में इसे लगाया जाता है, और आप इसे लगा सकते हैं कि अगस्त सितंबर के महीने के दौरान आप इसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसे और भी रख सकते हैं काफ़ी आगे तक, जब तक इसका प्लांट खुद ब खुद गिर नहीं जाता, यानी कि इसके सारे पत्ते येलो होकर गिर नहीं जाते तब तक इसकी ग्रोथ चलती रहती। तो फ्रेंड्स यूं तो अरबी यानी टैरो रूट्स के अंदर आप एक प्लांट से 1 kg तक टैरो रूट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमारे पॉट्स में यानी गमलों में इसकी ग्रोथ का क्या रिज़ल्ट रहता है वो भी मैं भी नहीं जानता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया है, और ये वीडियो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल तौर पे पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने अरबी लगाई और कैसे इसे कितना किस तरीके से हार्वेस्ट किया है। सो गाइस आफ्टर 5 मंथ ये रिव्यू है हमारी अरबी का, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। मैंने कल परसों एक अरबी निकाल करके इसमें से देखा भी था कि एक प्लांट को कि कैसी दिखने में ये कैसी लगती है। दोस्तों इसका अभी तक तो मुझे ये कचालू की तरह दिख रहे हैं, कचालू भी अरबी की ही एक किस्म है, तो कुछ एक अरबी तो इसमें अरबी के जैसी है जिसकी ग्रोथ अरबी जैसी चल रही है, बट कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जिनके रूट्स काफ़ी मोटी है, वो कचालू के जैसे निकल के आ रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि ग्रो बैग में स्पेस ना मिलने की वजह से इनकी ये कंडीशन हो, तो देखते हैं इसको हार्वेस्ट करके कैसे होते हैं। दोस्तों एक एक करके मैं सारे प्लांट्स को आज हार्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आपको इसको हार्वेस्ट करने के लिए वेट करना है, क्योंकि मुझे अभी इसी एक्सपेरिमेंट से ही इसी बार से ही मुझे पता लग रहा है कि इसके लिए मुझे एटलीस्ट इसके सारे पत्ते को येलो होने देना है। अभी मैंने इसके कुछ ही पत्तों को येलो होने दिया है, बाकी सारे पत्ते अभी भी ग्रीन ही हैं। तो हो सकता है नॉर्मली रूट्स वाले जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, यानी कि आलू या फिर हल्दी या फिर टैरो रूट लगा लीजिए, इनकी हार्वेस्टिंग तभी की जाती है जब ये इनके सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़कर बिल्कुल सूख कर गिर जाते हैं। बट इस वक्त मैं वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि 3 से 4 टप सिर्फ अरबी से ही हमारे यूज़ हो रखे थे, तो मैं देखना चाहता था कि क्या रिज़ल्ट रहा हमारी अरबी का, कितना रिज़ल्ट रहा, तो मैं वो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे हमारी अरबी हार्वेस्ट हमने की है।
तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारी अरबी को मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी रूट्स अभी इसकी डेवलप हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा रूट्स इसकी हुई हैं। और आपके आपको दोस्तों अरबी के लिए आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको इसकी मिट्टी को हमेशा ही मॉइस्ट रखना है, क्योंकि अरबी मॉइस्ट मिट्टी में ही लगती है। ये देखिए दोस्तों ये छोटी सी अरबी और उसके साथ एक और आगे भी उसका एंजाइम जुड़ा हुआ, राइजोम जुड़ा हुआ। दोस्तों अरबी के रूट्स बहुत रूट्स ही होते हैं जो मेन इसके यूज़ किए जाते हैं, राइजोम होते हैं इसके। देखिए दोस्तों ये हमारी एक ग्रो बैग से हार्वेस्टिंग हुई है और अब मैं दूसरे ग्रो बैग को भी यूज करने वाला हूँ, इसकी भी हार्वेस्टिंग मैं आज ही कर दूंगा। तो देखते हैं कि टोटल कितनी अरबी हमारी दो या तीन ग्रो बैग से निकल करके आती है। ये देख सकते हैं आप बीच में कुछ कुछ भुई आंवला के पौधे भी उगे हुए हैं, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो इनको मैं सारे को यहाँ भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप दोस्तों इसकी अभी शायद कुछ कसर बाकी थी, अगर मैं इन्हें छोड़ देता तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज़्यादा इसको अच्छे से उगाऊंगा और आपको वीडियो अपलोड करके ज़रूर दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आप एक ग्रो बैग में दोस्तों इसे दो या तीन से ज़्यादा टेरो रूट्स ना लगाएं, क्योंकि दो या तीन से ज़्यादा टेरो रूट लगाने का रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं कि कैसा है, काफ़ी कंजेस्टेड हो जाती हैं आपस में ही, इनकी रूट्स आपस में ही बाउंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी वो ग्रोथ नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। यानी कि एक प्लांट से हमें एटलीस्ट इस ग्रो बैग में आप लगा लीजिए आपको 250 ग्राम्स तक अरबी आपको एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। अगर आप तीन टेरो रूट यानी तीन अरबी एक ग्रो बैग में लगाते हैं तो दूसरा ग्रो बैग भी हार्वेस्ट हो गया है। अब तीसरे टब की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये है तीसरा छोटा टब जो हाफ कट करके मैंने एक बड़े टब को बनाया हुआ था, इसमें भी मैंने लगाया था अरबी, तो इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था सोयल मीडिया के लिए, दोस्तों इसके लिए सोयल मीडिया में आप 50% से ज़्यादा आपको रिवर सैंड ही लेनी है और 50% के से कम ही आप नॉर्मल सैंड, नॉर्मल मिक्सर आप लीजिए जो गार्डन सॉइल आपकी होती है। मैक्सिमम आपकी रिवर सैंड या फिर कोकोपीट ले सकते हैं, क्योंकि इन सब से ही आपकी मिट्टी इतनी भुरभुरी होगी कि आपकी अरबी या टेरो रूट अच्छे से एक्सपेंड हो पाएंगी और अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। तो मैंने इस सॉइल मीडिया में 50% से ज़्यादा तो रिवर सैंड ही यूज़ किया हुआ है, इसीलिए ये ईजिली काफ़ी बाहर निकल रही हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए दोस्तों आपको इसमें गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो मार्केट से मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो इसमें दोनों ही तरह के फर्टिलाइजेशन यूज़ किया है, इसकी वीडियो भी मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर डालूंगा कि कैसे मैंने घर पर ही गोबर से या फिर नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपोस्ट से, कंपोस्ट टी भी जिसे कहा जाता है, मैंने कंपोस्ट टी बनाया था। तो वही सब प्लांट में जो नॉर्मली देता हूँ वही मैंने इस प्लांट को भी दिया था, कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसको इस बार कोई फर्टिलाइजेशन नहीं किया है। फ्रेंड्स आप भी लगा सकते हैं अपने घर पर अरबी, ये बहुत ही इजीली आसानी से ग्रोथ हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। और मोस्टली सारे ही प्लांट्स जो रूट्स वाले होते हैं यानी कि जिनके राइजोम्स निकलते हैं वो इजीली ग्रोथ हो जाते हैं, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। आप उन्हें फुल धूप में भी रख सकते हैं, कोई उसे शेडो की ज़रूरत नहीं होती है, इतनी केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। बट नॉर्मल जैसे नॉर्मल प्लांट्स को पानी दिया जाता है, इन्हें भी नॉर्मली उसी तरीके से पानी दिया जाता है।
सो कंक्लूजन के तौर पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये एक्सपीरियंस अरबी का मेरा काफ़ी अच्छा रहा और इससे बेटर भी हो सकता था क्योंकि मैंने इसे टाइम से पहले ही इसे हार्वेस्ट कर लिया, तो मुझे शायद थोड़ा इस पे और वेट करना चाहिए था, इसके पत्तों को पूरा येलोश हो करके इसे गिरने देना चाहिए था। बट कुछ लोग दोस्तों इसके लीव्स को भी यूज़ करते हैं, ऊपर से इसके लीव्स काट लेते हैं और रूट्स को अंडर ही सोयल में ही रहने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन तीनों ग्रो बैग से मैंने कितनी अरबी हार्वेस्ट किया है। ये देखिए दोस्तों, ये सारे प्लांट्स हैं अरबी के जो मैंने हार्वेस्ट किए हैं और ये रूट्स आप देख सकते हैं। तो चलिए इन रूट्स को भी सेपरेट कर लेते हैं इन लीव से और देखते हैं कितनी अरबी हमने अपने घर से हार्वेस्ट की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी अरबी, ये लगभग 1.5 केजी के अराउंड हमारी है जो हमने घर से हार्वेस्ट की है। और ये मुझे मोस्टली इसमें लीव कचालू के जैसे लग रहे हैं, अरबी यानी कचालू की दूसरी किस्म होती है। लीव्स के ऊपर बात करें दोस्तों, तो इसके लीव्स भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग इसके लीव्स की सब्ज़ी बनाते हैं यानी कि इसके पत्तों की सब्ज़ी बनाते हैं। तो पत्तों के बारे में बात करें तो ये जिस वक्त बारिश का सीज़न होता है तो इसमें इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत ही बड़े बड़े पत्ते ऑलरेडी इसके ऊपर आ करके मुरझा करके चले गए हैं बट हम लोग इसका यूज़ नहीं करते। बट आप चाहें तो इसकी नेट पर बहुत सारी रेसिपी मिल जाती हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ से देख सकते हैं और इनका यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये लीव्स कुछ जो हरे वाले थे वो मैंने सेपरेट कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए। इतनी एक हार्वेस्टिंग हमारी घर से हुई है, थोड़ी है बट अपने घर की है एज ऑलवेज। तो बस एक चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि हमें इसमें पानी का ओवरफ्लो होने नहीं देना है। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होना तो शायद सभी प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि उससे उसके रूट्स गल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी भाजी जो हमने घर पर बनाई है और काफ़ी टेस्टी भाजी बनी है इसकी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फल फूल पौधे और अपडेट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए।